जुलाई 3 स्थित दुर्गा मंच बाजार चौक में दिव्य सत्संग का आयोजन किया गया। राष्ट्र संत परम पूज्य ललित प्रभ सागर जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि नजरिया बदलने से पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि केवल किस्मत के भरोसे मत बैठे रहिए, जीवन में योग्यताओं को हासिल कीजिए। उन्होंने कहा कि भाग्य हाथ की रेखाओं में नहीं अपितु व्यक्ति के पुरुषार्थ में छिपा होता है। हार और जीत सोच पर निर्भर करती है। प्रवचन के दौरान उन्होंने लोगों को सकारात्मक सोचने की कला के भी टिप्स दिए। आयोजन के दौरान परम पूज्य शांतिपुरी सागर जी महाराज भी उनके साथ उपस्थित थे। कभी चकला, कभी बेलन, कभी चीपिया, कभी 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 तो संडासी भी, कभी कभी तो तवा भी, जो आया उठा के सीधा मुझ पर फेंक देती है। तो मैंने कहा भाई साहब इसमें हंसने की क्या बात है। कहने लगे ये तो हमारे जीवन की खुशहाली का राज है, दोनों हम जम कर हंसते हैं गुरुदेव। जब निशाना लग जाता है तो वो हंसती है और निशाना चूक जाता है तो मैं हंसता हूं, हम हंसते ही रहते हैं, ठीक है। तो जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दम मिलाते रहो। जिंदगी का पहला फैसला कर लो, हम गुनगुनाते हुए जिंदगी नहीं जिएंगे, क्या गुनगुनाते हुए जिएंगे। और गुनगुनाते हुए जीवन जीने का पहला फलसफा है, जो भगवान ने दिया है उसको प्रसाद मानो, उसको विषाद मत मानो। जो है जरूरी थोड़ी है कि किसी का बहुत बड़ा ज्वेलर्स है और आपकी छोटी सी दुकान है। अब आप जीवन में देखो क्या होता है, यहां पर आपका एक मंजिला मकान है, इधर किसी ने आलीशान तीन मंजिला कोठी बनाई जोरदार, और इधर एक पुराना सा मकान झोंपड़ी नुमा मकान आपके इधर है, यानी सीधे हाथ की तरफ बड़ी कोठी और उल्टे हाथ की तरफ झोंपड़ी, बीच में आपका मकान। अब बताओ, आप दिन में 10 बार सुखी भी होते हैं, 10 बार दुखी भी होते हैं।